ये ECOWAT 900BA का इन्वर्टर है। इसमें प्रॉब्लम है इसके बैकअप। अब बैकअप को क्लियर करने के लिए हम ऊपर से कैसे इसे क्लियर करें कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले इसे हम सप्लाई देते हैं मल्टीमीटर में। आप देखें, यानी बैटरी का वोल्टेज जो यहाँ पर शो किया 12.40, ठीक है। अब इसको हम लोड देते हैं 200 वाट। अब ये 10.9, यहाँ पे ECOWAT शो हो रहा है, ठीक है। अब इससे ये क्लियर हो गया, यानी 11 यानी 11 वोल्ट से नीचे जा रहा है। ये क्लियर हो गया कि इसका लो बैटरी कंडीशन सही है। अब हम चार्ज के लिए इसे ऑन करेंगे। पहले इसे और लो कर देते हैं, ठीक। देखिए लो बैटरी इको, ठीक। अब इसे हम मेंस देते हैं, और मेंस देने के बाद ये देखिए मेंस आ गया। अब यहाँ पर देखें, यानी 13.2 आके, देखिए बैटरी यहाँ पे जो चार्जिंग है इंडिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन लो बैटरी बताया है। और इस समय ये 12.96 चार्जिंग, इस समय ये 4 एम्पियर 5 एम्पियर चल रहा है। इसमें एक पहचान ये है, यहाँ पर देखें, ये जैसे है सिलेक्टर, ये जो बैटरी का सिलेक्टर है, जैसे ये ट्यूबलर है, ये फ्लैट है, ये SMF है, और ये LOC, ठीक है। यहाँ पे ये चार इंडिकेटर लगे हैं, 1 2 3 4, जिसपे सेलेक्ट होगा उसे जलना चाहिए। देखिए यहाँ पर इस समय ये सिलेक्टर जो है ट्यूबलर पे है, लेकिन ये जल नहीं रहा, इसका मतलब इसके स्विच में प्रॉब्लम। तो हम इसको देखिए ऐसे किए, अभी जल गया। अब ऐसे हम अगर इसको चेंज करते हैं दूसरे को, इसको जलना चाहिए, लेकिन देखिए इसको भी ये ठीक से नहीं जल रहा है, ठीक। या देखिए ऐसे, तो इसका मतलब कि ये अंदर से स्विच खराब है। या तो इसका जो सिलेक्टर है डायरेक्ट जोड़ा जाए, या तो फिर इसका स्विच में ऑयल डाल के इसे क्लीन किया जाए, या इसे स्विच को चेंज किया जाए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं अंदर, ये है स्विच सेलेक्टर और ये है वायर, यहीं से इसकी जो है सिलेक्शन पिन सेलेक्ट होती है।